नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने किचन में। आज हम बनाने वाले हैं चावल की खीर। इंडियन फेस्टिवल चाहे कोई भी हो, उसमें खीर बनना तो लगभग तय होता है और खीर सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आती है। तो आज मैंने एकदम नए तरीके से ये वाली खीर बनाई है। क्विक बनके तैयार होती है, टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। एकदम जो रबड़ी मलाई वाला टेस्ट होता है ना, वो ही वाला इसका टेस्ट है। और सबसे बड़ी बात, इसको बनाने में आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का टाइम लगेगा। देखिए कितनी अमेजिंग सी, कितनी बढ़िया क्रीमी गाढ़ी गाढ़ी खीर बनी हुई है। अभी मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। टेक्स्चर, टेस्ट सभी इसके लाजवाब हैं। और इसको ठंडा करके तो अगर आप खाते हैं तो फिर आनंद ही आ जाता है, इतना ये यम्मी लगती है। ये देखिए है ना एकदम मस्त वाली खीर। तो आइए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। खीर बनाने के लिए सबसे पहले आपको चावल को धो के भिगो के रख देना है कम से कम 10-15 मिनट के लिए। अब मैंने एक ले लिया है कुकर, और कुकर में मैं डालूँगी 1 चम्मच घी। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे और जो चावल हमने भिगो के रखे थे उसका सारा पानी निकाल के अब इनको हम रोस्ट करेंगे। घी में भुनेंगे कम से कम 2 मिनट के लिए, आप ज़रूर भुनें बिल्कुल लो फ्लेम पे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा आपकी खीर का। ये मैंने टूटे हुए चावल लिए हैं, बासमती चावल हैं लेकिन ये टूटे वाले हैं। इससे खीर बहुत जल्दी घुटती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी बनती है, और ये सस्ते ही मिल जाते हैं। चावल को हम लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो ये क्या होता है, बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएंगे और जलना भी शुरू हो जाएंगे। और देखिए 2 मिनट हो गए हैं मुझे चावल को भूनते हुए। अब मैं इसमें डालूंगी 1 गिलास दूध। दूध मैंने फुल क्रीम लिया है, आप भी फुल क्रीम ही दूध लें, उसी से जो खीर है हमारी एकदम गाढ़ी गाढ़ी और मज़ेदार बन के तैयार होगी। सिर्फ 1 ही गिलास मैं यहाँ पर दूध डालूंगी। और ये मैंने डाल दिया चुटकी भर केसर, इसको भी हम अभी डाल देंगे जिससे कि इसका सारा जो कलर है वो हमारी खीर को प्रॉपर मिल पाए। और इसमें एक उबाल आने तक इसको खुला ही पकाएंगे। दूध और चावल में देखिए बहुत अच्छे से उबाल आ गया है। गैस का फ्लेम मैंने लो टू मीडियम पे रखा हुआ है। अब इसका हम ढक्कन लगाएंगे और 1 से 2 सीटी आने तक इसको पकाएंगे। गैस का फ्लेम अभी भी लो टू मीडियम पे ही रखना है, एकदम हाई फ्लेम पे हमें इसको नहीं पकाना। और 2 सीटी आने के बाद गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे, और जब इसका पूरा प्रेशर अपने आप ख़त्म हो जाएगा उसके बाद कुकर का ढक्कन खोलेंगे। और ये देखिए केसर ने भी कितना बेहतरीन कलर छोड़ दिया है, और चावल ने जितना भी हमने दूध डाला था सारा देखिए सोख लिया है। चावल हमारा बहुत अच्छे से पक गया, और इसके अंदर जो हमने दूध डाला था वो भी एकदम मावा जैसा हो गया है, बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। अब इसमें 1 गिलास दूध और डाल के पहले इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, ताकि जो चावल है वो बढ़िया से दूध के साथ मिक्स हो जाए। एक साथ बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप दूध ना डालें, और इस तरह से चम्मच से इसको अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए केसर का कितना बढ़िया कलर आ गया है। ये वाली खीर मैं 1 लीटर दूध के साथ बना रही हूँ, आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। और आधी कटोरी मैंने चावल लिया था। और गाइस ये हमारी खीर इसी टाइम पे देखिए बनके तैयार हो चुकी है, लेकिन इसको हमें थोड़ा सा और मज़ेदार बनाना है। तो सबसे पहले तो मैं इसमें मीठा डालूंगी, तो मीठे के लिए ले लिए मैंने ये आधी कटोरी चीनी। मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब 2-3 मिनट गैस को हम मीडियम पे रख के इसको और पकाएंगे, जिससे कि चीनी हमने डाली है ये भी अच्छे से घुल जाए। ये 2 हरी इलायची मैंने तोड़ के डाल दिए हैं, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है खीर में। चलाने का यहाँ पे आप अभी भी लगातार ध्यान रखें, क्योंकि हमारी बहुत ही गाढ़ी गाढ़ी खीर है, नीचे अगर लग गई तो पूरा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और देखिए थोड़ी देर मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया था, और ऊपर देखिए कितनी अच्छी मलाई आ गई है इस पर। टेक्स्चर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त आया हुआ है। और टाइम कितना लगा हमें, सिर्फ 7 से 8 मिनट का इसको बनाने में टाइम लगा है। बस यहाँ पे आपको कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, चावल को आपको 1 चम्मच घी में रोस्ट ज़रूर करना है। उसके बाद आप 1 गिलास दूध डाल के इसमें 1 या 2 सीटी लगवाएं। एक साथ बहुत ज़्यादा दूध आपको इसमें नहीं डालना है।
गैस का फ्लेम पूरे प्रोसेस में आपको लो टू मीडियम पे ही रखना है। और खीर यहाँ पे हमारी बनके तैयार हो गई है, अब इसको हम सर्व करेंगे। बहुत अच्छी गाढ़ी गाढ़ी खीर बनी हुई है और ठंडी होने के बाद ये थोड़ी सी और भी ज़्यादा गाढ़ी भी हो जाती है और ज़्यादा टेस्टी भी हो जाती है। देखिए आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। आप चाहें तो खीर को थोड़ा यहाँ पे चाहें तो पतला भी कर सकते हैं, लेकिन ये गाढ़ी गाढ़ी खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा आने वाला है जैसा आप मावा खा रहे हो। और कुकर में भी आप देख सकते हो कहीं पर हमारी खीर बिल्कुल भी चिपकी नहीं है, जली नहीं है, क्योंकि हमने इसको चलाने का लगातार ध्यान रखा था। ऊपर से थोड़े से कटे हुए बादाम, कटे हुए पिस्ता, काजू, किशमिश, जो आपको अच्छा लगे आप डाल के इसको गार्निश कर लें। मैंने तो ये बादाम और पिस्ता ही डाले हैं। और ये देखिए खीर के ऊपर फिर से मलाई आ गई है। इसको आप फ्रिज में 1-2 घंटा ठंडा करके खाएंगे तो और भी ज़्यादा आपको स्वादिष्ट लगेगी। आई होप आप सभी को आज की हमारी ये खीर की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी तो लगनी है क्योंकि एकदम क्विक सी बनने वाली रेसिपी है। अब आपको घंटों तक खीर को नहीं पकाना पड़ेगा। जब भी आपको जल्दी हो, कोई पूजा हो, तो आप इस तरह से ये खीर बना सकते हैं। और टेस्ट में बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आपको ने इसको पतीले में नहीं बनाया। टेस्ट इसका बहुत ही लाजवाब है। ना हमने इसमें मावा डाला, ना मिल्क पाउडर, सिर्फ 1 लीटर दूध से हमने ये खीर बनाई है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा यमी खीर बन के तैयार हुई है। ऐसा लग रहा है पता नहीं कैसी हमने शाही डिश बना ली हो। लुक में देखिए कितनी ये सुंदर लग रही है। तो दोस्तों, और भी ऐसी नई नई रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। थोड़ा सा भी अगर पसंद आया है तो लाइक करें। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका 1 लाइक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो उनको पढ़ के तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो दोस्तों, मैंने आज तीज पे बनाई है ये मज़ेदार सी खीर, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। देख के आपको समझ आ ही रहा होगा कितनी मज़ेदार ये खीर बनी हुई है। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।